अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद है ठीक ठाक होंगे आज जो मैं आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करने वाली हूँ वो बहुत ही मज़ेदार है सबकी मनपसंद है बच्चों की बड़ों की हमने बनाने हैं स्टीम रोस्ट और इस तरह से स्टीम रोस्ट बनाने हैं जैसे होते है, आप लोग खाते हो शादियों पे और होटल्स में बनते हैं हम होटल्स के खाते हैं उसी तरह के हमने आज घर पे तैयार करने हैं आपने फुल वीडियो देखनी है स्किप नहीं करनी बिल्कुल भी कोई स्टेप रहे ना तो आप देखते हैं कि ये कैसे तैयार हो रहे हैं बहुत मज़ेदार ये बनते थे सबसे पहले मैंने सिरके में पाँच से दस मिनट के लिए चिकन को भगो के रख दिया था और बेहतरीन सा चिकन साफ़ हो गया था जब भी चिकन को धोना है और उसको सिरके के अगर सरक़ा थोड़ा सा डाल के उसको वॉश कर लिया जाए तो वो बहुत अच्छी तरह से वॉश हो जाता है बिल्कुल भी चिकन की बाद में स्मेल नहीं आती तो मैंने ये चिकन पीस लिए और उसको गहरे गहरे इस तरह से कट लगा लेने हैं दोनों साइड पे आप अच्छी तरह से इस तरह से गहरे गहरे कट लगा लें और ये फिर ताकि मसाला अंदर तक बाद में जजब हो जाए जब हमने इसको मैरिनेट करके रखना है इस तरह से ये जो हम घर पे बनाते हैं तो वो कम कीमत में पड़ते हैं और ज़्यादा मज़ेदार और ज़्यादा अच्छे बन जाते हैं प्राइस भी कम लगती है और चीज़ भी अच्छी बन जाती है मसाले भी हम घरेलू यूज़ करते हैं तो चीज़ जो होती है वो बहुत अच्छी बन जाती है तो कोशिश किया करें कि आप लोग जो भी रेसिपी बनाएं घर पे ही बना के अपने बच्चों को घर वालों को खिलाएं तो इसलिए मैं भी घर पे बनाती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि किस तरह से बना रही हूँ ताकि सबके लिए आसानी पैदा हो सके ये देखें इस तरह से मैंने सारे चिकन में गहरे गहरे सारी साइड पे कट लगा लिए हैं ताकि हम अब हम जब मसाले यूज़ करेंगे तो ये अच्छी तरह से चिकन के अंदर तक मसाले जजब हो जाए अब मैंने बड़ा एक पैन लिया है उसमें सारे ये पीसीज़ रख लिए हैं और ऊपर दो लेमन अच्छी तरह से निचोड़ देने हैं ये देखें इस तरह से लेमन निचोड़ देने हैं ताकि सारे लेमन का जूस पूरे चिकन के ऊपर लग जाए बेहतरीन सा चिकन हमारा तैयार हो रहा है स्टीम रोस्ट बहुत मज़े का और डिलीशियस सा स्टीम रोस्ट बन रहा है आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना ये अब मैं दही से इसको मैरिनेट कर रही हूँ दही लगाना है सबसे पहले आपने अपने जरूरत लगा सकते हैं दही मैंने दो दो चम्मच सारे पीसीस के ऊपर अप्लाई किया है और इसको अप्लाई करके सारे पीसीस के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है अब इसमें हंसब ज़रूरत नमक डाल दूंगी आप लोग भी अपने जायके के मुताबिक इसमें नमक डाल सकते हैं थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी इसमें और अब इस तरह से सारे पीसेस के ऊपर अच्छी तरह से मसाले लग जाए इस तरह से हमने तैयार करना है इसको और फिर इसमें थोड़ा सा खुश्क धनिया पिसा हुआ वो ऐड कर दिया ऐसे सारे मसाले अच्छी तरह से सारे चिकन के ऊपर लग जाए और उसके बाद थोड़ा सा खुश्क जीरा पिसा हुआ वो इसके ऊपर डाल दिया अब ये मसाले इस तरह से सारे डाल देने हैं बारी बारी अब हमने इसमें इसको स्पाइसी बनाने के लिए जो एक्स्ट्रा मसाले यूज़ कर रही हूँ उनमें है चाट मसाला आप लोग देखते जाइए साथ साथ के कौन कौन से मसाले इसमें यूज़ हो रहे हैं बहुत मज़े के बनते हैं बहुत डिलीशियस होते हैं आप लोग इसको ट्राई करेंगे तो खुद ही आपको पता चल जाएगा अब मैंने इसमें लहसुन पाउडर हाफ टेबल स्पून इसमें डाल दिया है और उसके बाद अदरक पाउडर डालना है इसमें ये अदरक पाउडर अगर आपके पास फ्रेश है लहसुन अदरक तो आप उसको पीस कर फ्रेश वाला भी इसमें डाल सकते हैं वो भी बहुत अच्छा लगता है मैंने अदरक और लहसुन का पाउडर यूज़ किया है अब इसको मज़ेदार बनाने के लिए मैंने टिक्का मसाला यूज़ किया है अब तिक्का मसाला इसके जितना आप स्पाइसी करना चाहती हैं उस हिसाब से इसके ऊपर लगा देंगे ये फ्राइड चिकन मसाला है ये है इसका राज बहुत अच्छा मसाला है फ्राइड चिकन मसाला ये मैंने हाफ इसके ऊपर लगा देना है और बाकी वाला जो हाफ है वो बाद में इसके ऊपर अप्लाई करेंगे आप लोगों ने वीडियो स्किप नहीं करनी देखते रहना है कि वो किस वक्त हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये हाफ मैंने अब अप्लाई कर दिया और अब इसमें थोड़ा थोड़ा ये सॉसेस डाल देने हैं विनेगर डाल दिया टू थ्री टेबल स्पून इसके ऊपर और उसके बाद चिली सॉस सोया सॉस इसमें डाल देने हैं ये मसाले जो हैं ये मैरिनेट होने के लिए जब इसको रख देंगे मसाले अच्छी तरह से जजब हो जाएंगे अब चिली सॉस इसमें टू तो थ्री टेबल स्पून डाल देती हूँ मसाले अच्छी तरह से इसमें जज़ब हो जाएंगे तो ये बहुत मज़े का बनेगा और अंदर तक मसाले जजब हुए जब होते हैं तो फिर ये बहुत मज़े का बनता है इस तरह से आपने कोई भी जगह इसकी चिकन की बाकी ना रहे यहाँ पे मसाला ना लगा हो ये देखें इस तरह से हाथों की मदद से आपने अच्छी तरह से सारे मसाले लगा देने हैं इस अमल को बार बार दोहराइए और देखिए कि कोई जगह खाली तो नहीं रह गई यहाँ पे मसाला ना लगा हुआ हो ये देखें साइड पलट के इस तरह से बेहतरीन सा आपने मसाला जो है उठा के सारी जगह पे लगा देना है ऐसे बहुत अच्छी तरह से इसके ऊपर मसाला अप्लाई कर देना है हमने सारे मसाले इसमें बहुत बेहतरीन और अच्छे यूज़ किए हैं और इस तरह से फिर इसको मसाले अच्छी तरह से लगा के रख देना है पंद्रह से बीस मिनट के लिए ताकि अच्छी तरह से मैरिनेट हो जाए ये देखें अब तकरीबन बीस मिनट हो चुके हैं चिकन ने जो तो थोड़ा सा पानी छोड़ दिया था अब हम इसके नीचे फ्लेम ऑन कर देंगे और ये पानी खुश कर लेंगे ये देखें पानी तकरीबन खुश्क हो चुका है थोड़ा सा बाकी है अब हमने इसकी साइड पलट देनी है ताकि दूसरी साइड से भी थोड़ा सा कुक हो जाए हमने हाफ कुक इधर करना है इस बर्तन में हाफ़ कुक कर लेना है ये वाले पीसेस चिकन पीसेस हमारे पास हैं अब फिर इसको चार से पाँच पाँच मिनट और पकाएंगे तो तकरीबन ये हाफ कुक हो जाएंगे और जब हाफ कुक हो जाएंगे ये देखें अब दूसरी साइड भी चार से पांच मिनट पक चुकी है अब हमने इसको निकाल लेना है और अब हमने इसको स्टीम देनी है वो भी हमने इसी तरह के बर्तन में देनी है ना मैंने कुकर यूज़ किया है ना कोई इस तरह का स्टीमर यूज़ किया है बहुत बेहतरीन से आम किचन के बर्तनों में ही बहुत मज़ेदार और स्टीम वाले रोस्ट हमने तैयार कर लेने हैं ये भी मैंने एक खुला बर्तन कढ़ाई की ली है और इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल दूंगी ताकि ये हमारा बर्तन नीचे से ख़राब ना हो और उसके ऊपर ये वाला आ, बर्तन रखा है स्टीमर इसके शायद कहते हैं ये इस तरह से रख लें आपके पास जो जो भी बर्तन अवेलेबल हो वो बर्तन रख लें और यह बटर पेपर लिया है बटर पेपर के अंदर लगा देने हैं सुराख इस तरह से किसी भी चीज़ से आप छोटे छोटे सुराख कर लीजिए ताकि जब स्टीम चिकन को स्टीम देंगे हम तो वो जो पानी छोड़ेगा वो नीचे चला जाए सारा पानी इस तरह से अब जो हमने चिकन रोस्टेड मसाला हमारे पास था हाफ मैंने पहले लगा दिया था जब मैरिनेट करने के लिए रखा था और हाफ मसाला अब हमने इसके ऊपर लगा देना है अच्छी तरह से लगा देना है ताकि सारी जगह पे बेहतरीन सा मसाला लग जाए पहले भी इसके अंदर बहुत सा मसाला जजब हो गया ये बहुत मज़ेदार स्पाइसी और बहुत डिलीशियस बने थे आप लोग इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को देखते देखते लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए बहुत खुशी होती है जब आप लोग रेस्पॉन्स देते हैं तो ये देखें इस तरह से हमने इसको स्टीम देनी है बटर पेपर को अच्छी तरह से बंद कर देना है और ऊपर से हमने बर्तन को कवर कर देना है इस तरह से कवर करके इसको रख देंगे अब हमने 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम देनी है हाफ हमने कुक पहले कर लिए थे चिकन के ही पानी में वो पक गए थे और हाफ कुक हो जाएंगे अब स्टीम के अंदर तो बहुत मज़ेदार स्टीम रोस्ट हमारे बन रहे हैं बहुत ही अच्छे और मज़ेदार से ये देखें अब हमने पंद्रह मिनट तकरीबन पूरे हो चुके हैं अब इसकी सूरत हाल देखते हैं इसको ओपन करते हैं कि किस तरह के हमारे स्टीम रोस्ट तैयार हुए हैं ये देखें माशा कितनी खूबसूरत शक्ल है और जितने ये शक्ल से ख़ूबसूरत लग रहे हैं देखने में खाने में उससे भी ज़्यादा मज़े के स्टीम रोस्ट बने हैं ये देखें इस तरह से आप बहुत कम कीमत में और बहुत जल्दी अपने बच्चों के लिए बेहतरीन सी डिश तैयार कर सकते हैं ये टूटने में तोड़ने में भी बहुत आसान है बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छे बने हैं बहुत अच्छी तरह से टूट जाते हैं नरम भी बहुत हैं और इस तरह के स्टीम रोस्ट बने हैं जैसे बिल्कुल आप लोग होटल्स में खाते हैं शादियों पे स्टीम रोस्ट होते हैं इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा बहुत मजेदार और डिलीशियस स्टीम रोस्ट प्यार है हमारे